तो चले रहे हैं नारायणपुर की ओर रुक करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। गणित और भूगोल समझकर जंगल में उतरी फोर्स, आत्मसमर्पित नक्सलियों से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने लिया ज्ञान। अबूझमाड़ में वोटिंग कराने हेलीकॉप्टर से 33 दल होगी रवाना। तो आपको बता दें, अति संवेदनशील मतदान केंद्र के दलों की रवानगी शुरू हो चुकी है, और सोनपुर, छोटे बेचिया, कोयला और धनोरा की टीम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि आकाबेड़ा, ओरछा की टीमें भी यहां पर शामिल है। तो इमरान खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, जिस तरीके से अब चुनाव कराने के लिए एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है संवेदनशील इलाकों में, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? जी, आईएनएच के दर्शकों को हम बता दें कि इस बार चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ज्यादा ही मुश्किल नजर आ रहा है। अबूझमाड़ के जो 20 मतदान केंद्र है, अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहां 3 दिन पहले मतदान दलों को रवानगी किया जा रहा है, और आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर नारायणपुर में मंडराने लगे और मतदान दल के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो पहला पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है, जो दिगर प्रदेशों से आए हुए हैं यहाँ वोटिंग कराने के लिए, उन लोगों को गुरिल्ला युद्ध कला के बारे में, यहाँ के जो आत्मसमर्पित नक्सली रहे हैं, जो जंगल में कई सालों तक इसका लोकतंत्र का विरोध करते रहे, वही उनको आज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जंगल में क्या समीकरण होता है, कैसे नक्सली हमला करते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। इसको लेके बकायदा यहाँ 10-12 दिन तक एक ट्रेनिंग सेंटर चला, उसके बाद पूरे जवान को फीडबैक देने के बाद जंगल फोर्स उतर चुकी है और मतदान दल को अब रवाना किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।